नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे अपना अच्छे से ख्याल रखें। नवरात्र चल रहे हैं और हम इस समय में अभी इस नवरात्रों के बीच में हमारा जो सेशन है वो मैंने कल भी बताया था कि हम चालन क्रियाएं कर रहे हैं। अच्छे से शरीर के सभी जॉइंट्स को खोलना है, अच्छे से जो कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है। आज से देखिए एडवांस के सभी आप सब लगा पाएंगे जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, आप उस पर काम कीजिए और फिर आसन तो आप बाद में लगाएंगे और उनके बेनिफिट्स के लिए। तो आप सभी से सिर्फ मेरा इतना ही अनुरोध है, जिन लोगों ने फास्टिंग की है फास्टिंग अच्छे से कीजिए और कोशिश कीजिए कि फास्टिंग में आप अवॉइड करेंगे तला भुना खाना, बहुत ज़्यादा मुर्गों की पूड़ी पकौड़े साबुदानी भी मैंने देखा है बहुत बनते हैं, लेकिन खाना है अगर आपका मन करता है फास्ट भी है लेकिन कुछ मन करता है तो क्वान्टिटी थोड़ी रखिए। कई लोगों का नवरात्रों में वजन बढ़ जाता है फास्टिंग करने से, क्योंकि वो लोग खाने को गलत तरीके से खा रहे हैं, बहुत हैवी। अब जैसे उल्लू की रोटी सेक लेते हैं और उल्लू सिंघाड़े के आटे की रोटी अगर आप बना रहे हैं और पूरी बना रहे हैं दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। तो ये कोशिश करनी है फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करें। इस समय सिंघाड़े आ गए मार्केट में, मैं सिंघाड़े को आप और सपोर्ट करती हूँ, बहुत अच्छे होते हैं और थोड़ा सीजन भी मिलते हैं उसके बाद नहीं मिलेंगे। तो सिंघाड़े के बहुत सारे गुण हैं फ्रूट्स में, अगर बहुत ज़्यादा और 60-70 रुपए के होने चाहते हैं आप मार्केट में तो वो ले आइए, वो खा लीजिए। बहुत महंगे फ्रूट्स मत खाइए, आपके बहुत महंगा हो गया तो नहीं खाना है। ये मैं उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमारे तो रोज, मैंने बहुत सारे लोगों का ये माइंड सेट देखा है कि नहीं हमें तो रोटी ही खाने से मिल सकता है या रोटी ही खा सकते हैं, उन लोगों के लिए भी। क्योंकि सेहतमंद होना ऐसा नहीं है कि खाली एक लोग हैं जो एक तबका है वही सेहतमंद, हम छोटे से लेके बड़े तक हमारे पास प्रकृति के हर तरह का हमको फ्रूट्स नट्स दे रखा है कि हम खा सकते हैं कम दाम वाले भी और ज्यादा नहीं खा ही सकते हैं, बात ही नहीं उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। लेकिन अगर आप बादाम नहीं खा सकते पापड़ खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, रोस्टेड चना खाइए बहुत अच्छा है, रोस्टेड चना और किशमिश मिक्स करके खाएंगे तो कमर दर्द में आपको बहुत आराम मिलेगा। ये सारी चीजें हैं आप कर सकते हैं प्रकृति में भी, हमें बहुत ब्लेस्ड है हम इंडिया में हैं, इंडिया में हर तरह की प्रकृति है, हर तरह के फ्रूट्स खाने की बहुत कुछ है, लेकिन आपको उसे मैनेज करना आना चाहिए। संतुलन कैसे स्थापित करना है वो आपको देखना होगा, अभ्यास करेंगे सभी साथ में मिलकर आहार का। अपने आराम पर ध्यान रखिए, ऐसा नहीं करना है दिन भर काम किया और रात को 2 बजे तक मोबाइल पर टाइम खराब किया। अगर समय से सोएंगे सुबह समय से उठेंगे तो बहुत अच्छा आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। चलिए कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, हाथों की हथेलियां सामने श्वास लेते हुए। जब मैं कहती हूँ होल्ड करें तो ये पोजीशन होल्ड कीजिए, ना कि आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करें, यहाँ पर होल्डिंग करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 श्वास प्रश्वास के दौरान यानी शरीर में आती और जाती श्वास पे ध्यान केंद्रित करें।
श्वास धीरे श्वास छोड़ते हुए ओम प्राण शब्द का उच्चारण करिए। छोटी सी प्रार्थना से अपना अभ्यास शुरू करेंगे। छह बार दस बार दोहरा सकते
टेन काउंट करना है. फोर काउंट हो गया है. फाइव हर बार ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम इसका आगे लेग का वर्कआउट करेंगे तो आपका शरीर खुला होगा तो ये पैर जो उठा रहता है ये नीचे लगना धीरे धीरे शुरू हो जाता है. मैं आपको बताती हूँ कैसे. ये बिल्कुल इजी फॉर्म में था जब हम सिर्फ शुरू कर रहे तो बारी बारी हमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है. अब फिर जब हम खड़े होकर इसको अच्छे से करने लगते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे हम छोटे प्रैक्टिसेस से बड़े प्रैक्टिसेस की तरफ जाते हैं. पहले अभ्यास छोटा ही रखना पड़ता है उसके बाद धीरे धीरे आप अपने अभ्यास को बढ़ा देते हैं. जब आप शुरू में बैठ कर करना शुरू कर देंगे उसके बाद जाकर आप पैर को खोलेंगे इस तरह से. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. तो अभी हम छोटा छोटा अभ्यास इस तरह से छोटा छोटा रखेंगे. चलिए दोनों पैरों को वापस मिला लें. शेक कीजिए, लेग्स को शेक करेंगे. शेक योर लेग्स. शोल्डर से शुरू करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे मैंने बताया रोटेट कर. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. रिलीज, धीरे से चलाएं हाथों को दोनों और सामने की तरफ. ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. इस तरह से आपको अच्छे से पहले हाथों का मूवमेंट कर लिए. देखिए अभी क्योंकि प्लान करना होता है, हमारी ताकत चाहिए कलाइयों में, एल्बो में, शोल्डर में, तो वो जरूर करें. रोटेशन करेंगे. इनहेल एक्सहेल. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. उसी तरह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. रिलैक्स, शोल्डर अप एंड डाउन करके बिल्कुल ढीला छोड़िए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़े और इस तरह से सामने देखिए और शोल्डर अप एंड डाउन ढीला छोड़िए, बिल्कुल लूज. शोल्डर जो हम ये शोल्डर का अभ्यास करते हैं ये बीच बीच में करते रहा कीजिए.
आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बड़े हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, महिलाएं हैं ऑफिस में, वर्क फ्रॉम होम है कुछ लोगों का, तो सबके लिए अच्छा है। और इसके बाद अगला अभ्यास, इस तरह शोल्डर फिंगर्स को इंटरलॉक किया और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स। अब यहीं से फिर से आप चाहें तो शोल्डर अप एंड डाउन ये बीच बीच में भी निकाल करते रहे, बिल्कुल ढीला छोड़िए शरीर को। और आप इस तरह से हाथों से भी बटरफ्लाई कर सकती हैं, आपके शोल्डर के मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा। देखिए दोनों हाथों को इस तरह से उल्टा, ये देखिए ऐसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन मूवमेंट्स के लिए है, अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपके शोल्डर के लिए, जो पीछे की तरफ है यहाँ पर जो फैट इकट्ठा हो जाता है और मूवमेंट्स स्लो हो जाते हैं, पेन होना शुरू हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। आपको फिर मिलता है बॉल पर, इस तरह से आप अपने हाथ को ये रखें, ऐसे रखें, ये नाप ले लीजिए पूरा सीधा करके और धीरे धीरे, ये देखिए इतना नाप ले लिया और धीरे धीरे और से जितना नजदीक आप आ सकते आएंगे झुकिए और फिर अगेन वापस, इस तरह से रिपीट करेंगे बार बार कीजिए, बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है, आपके जो बाहें हैं वो खुल जाती हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट के ये हम थोरैसिक के लिए करेंगे, कैसे करना है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हाथ रखेंगे थाइस पर, पहले फ्रंट से देखेंगे और फिर साइड से, थाइस पर यहाँ हाथ रखिए, इन्हेल करते हुए हाथ ऊपर ले जाते हैं, इन्हेल करते हुए नीचे एक्सहेल करते हुए, और क्या करना है थोरैसिक जो है उसको स्ट्रेच करना है, ऐसे देखेंगे साइड से पैरों में क्या करना चाहते हैं, थोड़ा रख लीजिए, इन्हेल जी पूरा स्ट्रेच करेंगे, एक से इन्हेल एक से टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये इस तरह से आपको टेन काउंट किया, ट्वेंटी थर्टी जितना मन करे, थोरैसिक खुलता है तो आपके प्राणायाम अच्छे हो जाते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक शरीर में अच्छा हो जाता है। इसीलिए एक और अभ्यास थोड़ा सा और, अब क्या है चेस्ट आप आगे की तरफ ले जाते हैं, हल्का सा कमर को भी बेंड करेंगे, अर्ध चक्रासन भी बोलते हैं इसको, इस तरह से आप अपने हाथों को पीछे की तरफ या इस तरह से रख सकते हैं, ये साइड से अंगूठा ले लिया और ये आप देखिए इनहेल एक्सेल, बीच में आएंगे इन्हें थ्री फोर फाइव पूरा
शोल्डर को देखिए ऐसे स्ट्रेच करके रखना, ऐसे नहीं करना पीछे की तरफ, ये सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स। ये थोड़े थोड़े मैं बता रही हूँ, जैसे आप फ्लेक्सिबिलिटी के तरह इससे और भी आगे जाएंगे हम। अब नेक्स्ट लेवल देखिएगा कैसे करना है। ये चाल यानी इतनी सारी है कि आप आराम से इसको अच्छे से करते जाएंगे तो बहुत अच्छा अभ्यास आप कर पाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, पूरा कमर से बैंड करना है, हल्का सा देखिए शरीर आगे की तरफ आता है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। पूरा देखिए सीधा, ये देखिए ये आप मेरे को देख पाएंगे, सीधा जाना है एक्सहेल। गैस कम रखिए, कोशिश कीजिए लेकिन बैलेंस बनाना है तो थोड़ा सा रख सकते हैं। इनहेल ऐसे सीधा हर बार सीधा जाएंगे और कोशिश करेंगे सीधा है। कमर दर्द है तो फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है। फिर क्या करेंगे, कमर दर्द वाले क्या करेंगे, बैकवर्ड बेंड करेंगे और बीच में। जिन लोगों को थोड़ा दर्द है, लाइट है, हल्का है, राइट डिग्री इस तरह से, बाकी सभी पूरा नीचे जाएंगे। एक्सहेल इनहेल एक्सहेल टू मोर काउंट। इनहेल एक्सहेल के साथ कीजिए, बिल्कुल थकान नहीं होगी आपको। इस तरह से बहुत सारे चालन क्रियाएं हैं आप कीजिए, पूरा शरीर आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा। बढ़िया, अब इसको 10 काउंट हम और करेंगे। रिपीटेशंस को बढ़ा दीजिए, 30, 40, 50, 50 के राउंड से जिन लोगों को वेट लूज करना है, कम करना है वजन उनके लिए। ब्रीथ नॉर्मल करें पहले, ब्रीथ नॉर्मल करें। पूरा किसी तरह से फ्रंट स्टेप करेंगे, इनहेल करते हुए पूरा बैकवर्ड बेंड करेंगे, आप सीधे रखने की कोशिश करेंगे। एक्सहेल वन टू प्रेस के नीचे सा थ्री आंखें खोल के रखें फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन
आप इसी के रिपीटेशन देखिए, 50-50 कीजिए, 50-50, आप बिल्कुल पसीने से भर जाएंगे, इतना अच्छा स्वेटिंग होता है। चलिए साइड बेंडिंग के लिए 2-3 अभ्यास रखेंगे आज, अच्छे से साइड बेंडिंग भी करनी है। चालन क्रियाओं का मतलब ही यही है कि सभी जॉइंट्स पे अच्छे से आपको काम करना है। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे ऐसे, इससे क्या होता है, इससे स्ट्रेट रहते हैं हाथ, सीधे खींचे रहते हैं। आप ऐसे करेंगे ढीले हो जाते हैं बीच में। इंटरलॉक किया ये, अब इनहेल, अब पैरों में पास का बना लीजिए ताकि बैलेंस बना रहे, शोल्डर लेवल का तो बना ही लेंगे ऐसे। इनहेल एक्सेल टू, हर बार छुट्टे में साइन टाइम करते हुए एक्सेल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Inhale, left side to inhale or hold it. सीधा रखिए हाथ को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत अच्छा अभ्यास है साइड के, और यही अभ्यास होते हैं। आपको लगता है कि बहुत कठिन करेंगे, इन्हीं को रिपीट करो। चलिए पैरों में क्या बना लीजिए, मुस्कुराते हैं कुछ भी इसमें ज्यादा, देखिए ना हम कोई जंपिंग कर रहे हैं, जंपिंग जैक्स भी कर रहे हैं, लेग रेज भी कर रहे हैं, सारे जॉइंट्स पे अच्छे से काम कर रहे हैं। पैरों को खोल लिया, अब 1, 2 आप पूरा उठ के भी गिर जाते हैं, 3, 4 इनहेल, एक्सहेल 5, 6, 7, 8, 9, 10 दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पैरों को वापस उठाइए, शेक कीजिए, लेग्स को शेक करिए बीच में, पूरे शरीर को भी अच्छे से शेकिंग करनी चाहिए, शेक कीजिए को शेक करें। चल नेक्स्ट का भाई, नेक्स्ट प्रैक्टिस में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम पैरों को खोलेंगे और पूरा दूसरा हाथ नीचे ले जाकर टच करने की कोशिश करेंगे, कैसे, इनहेल एक्सहेल करते हुए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 20 count. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. वापस भी छोड़ लें। यहीं से नेक्स्ट अब हम ट्विस्टिंग करेंगे। ट्विस्टिंग में पैरों में शोल्डर लेवल या उससे ज्यादा का आप ध्यान कर लीजिए और कटी चक्र करने जा रहे हैं। अपर बॉडी से ये देखिए आपका लोअर एब्डोमिन जो है ये पूरा ऐसे मूव नहीं हो, सिर्फ कोशिश कीजिएगा कि देखिए कैसे अंगूठा अलग उंगलियां अलग ये पीछे वाली अंगूठी को देखने की कोशिश कीजिए। है पहले हम यहाँ ऊपर के शरीर की ट्विस्टिंग करें, उसके बाद हम नीचे से भी अपनी अभ्यास करेंगे। पैरों को खुला छोड़ना है, स्पीड के साथ लोअर के लिए यहाँ के लिए काम कर रहे हैं। नीचे के ट्विस्टिंग के लिए क्या करेंगे, पैरों को खोलेंगे, खोलिए पैरों को खोलिए, ये सामने की तरफ पहले यहाँ पर ऐसे, अब यहीं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, ये हाथ को ऐसे दोनों हाथों को इस तरह से रखें और हाथों से वॉक कीजिए अंदर की चलन। और नीचे जितना आगे तक चला सकते हैं पैरों को चलाएं, होल्ड कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कमर दर्द है तो कभी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। धीरे से हाथों को ऐसे स्ट्रेच करें ऊपर सीधा और दोनों हाथ नीचे, एल्बो आपस में जोड़ लीजिए और शेक कीजिए, शेक कीजिए। अब यहाँ पर अब घुटनों के लिए आप पहले मैंने मलासन में आपको अभी चलवाया था, मलासन में चलिए, घुटने दुरुस्त रहेंगे और उत्कट आसन आप कर सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर रखते हुए बस हल्का हल्का चलिए 1, 2, 3 पीछे की तरफ 4, 5, 6 हाँ दोनों इस तरह खींच के रखे 7, 8, 9, 10। जब आपका धीरे धीरे स्टैमिना डेवलप हो जाए तो पूरा नीचे बैठे
और यहाँ पर देखिए यहाँ बना गले से नहीं और पैरों को थोड़ा खुला छोड़ो ये और नहीं तो ये दो तरीके से आप होल्ड करिए कमर सीधी कीजिए जितना वो पॉसिबल है कमर को सीधा करें हिप्स को डाउन कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स अब जब जब आर्म्स पर पैर फैला लें दोनों इस तरह से थोड़ा सा आगे पीछे पैरों को चला लीजिए आज ये अभ्यास हम एंड में रखते हैं क्योंकि खड़े होके अभ्यास किया है आपने पूरा दोनों पैरों को खोल के इन आउट इस तरह से रोटेट करेंगे शरीर की तरफ लाते हैं इनहेल बाहर एक्सहेल पैरों की उंगलियों को अच्छे से दबाएंगे यहाँ पर वज्रासन में बैठकर जिन लोगों को घुटनों में पेन है वो नहीं बैठेंगे लेकिन जिन लोगों को घुटनों में पेन नहीं है और वजन भी कम करना चाहते हैं तो कपाल भाती का जो अभ्यास है वो आप वज्रासन में कीजिए फोर्स के लिए एक्सेलेरेशन है हाई बीपी पेटिंग में फ्रेजरी हुई है अल्सर हर्निया हाइपर एसिडिटी नहीं करना है कैटराइट और सिफिलिस का प्रॉब्लम है तो भी देखेंगे लंग्स वीक हैं तो अवॉइड कीजिएगा फोर्थ के लिए इंप्रेशन एक साथ नहीं करना 5 से 10 मिनट लगातार नहीं करना है जब शुरुआत करते हैं बीच बीच में रोक कर करना चाहिए गति का भी बड़ा महत्व है आप चाहे तो फिर धीरे धीरे जब आपका एक रिदम क्रिएट हो जाए तो आप गति को तीव्र कर सकते हैं कैसे राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है लेफ्ट से शुरू करेंगे बाएं से श्वास भरें ओके गाइड से छोड़ें दाएं से श्वास भरें रोकें बाएं से छोड़ें बाएं से श्वास लें रोकें बाएं से छोड़ें
उठाइए श्वास लें, हाथों को नीचे लेकर आए। आप अनुलोम विलोम और कपालभाति का अभ्यास आज पद्मासन पद्मासन में भी कर सकते हैं और वज्रासन में इसलिए मैंने डाला कपालभाति स्पेशली जिससे अच्छा बेनिफिट मिलता है आपको। अभ्यास करना है लेकिन तरीके से और थोड़ा थोड़ा कीजिए। फास्टिंग है तो भी आज जो हमने किया है उसको कर सकते हैं हाफ मिला 20 मिनट 25 मिनट क्योंकि बहुत ही कम होगा शायद बिल्कुल ही ग्लूटेन फास्ट है तो कुछ नहीं खा रहे हैं लेकिन फ्रूट्स वगैरह फिर आप खा रहे हो आपके बॉडी में इतना एनर्जी रहता है कि आप सूक्ष्म व्यायाम कर लो जो सभी लोग आपके मन कीजिए। एक बार ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करिए साथ में करिए शुभ आप सभी को नमस्कार।